दुख का वातावरण है। हम जानते हैं अरुण जेटली जी का व्यक्तित्व, मृदुभाषी, व्यवहार से मधुर, सबको साथ ले चलने की ताकत। पार्टी जब भी संकट में होती थी और सरकार को हमेशा एक संकट मोचक के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित होकर के उन्होंने देश की सेवा की और पार्टी की सेवा की। जानता है कि अरुण जेटली जी मोबाइल नीचे करो को एक भारत के बहुत ही बड़े विधि विशेषज्ञ थे। कुछ मामलों में दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर उन्होंने अपनी यह विधिवेत्ता के रूप में एक अपनी छाप छोड़ी थी और एक कानूनविद होने के अतिरिक्त अरुण जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज हम सबों के लिए बहुत ही दुख का दिन है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत ही पीड़ा का अवसर है। अरुण जेटली जी के साथ मैंने अपने छात्र जीवन से साथ काम किया और मैं जो देखता हूँ बहुत ही बड़कपन था दोस्तों के लिए, पार्टी के लिए। इमरजेंसी में जेल गए, 66 साल तो जाने की उम्र तो होती नहीं। इस दुख को सहने की क्षमता दें, संबल दें, इस बात की प्रार्थना करता हूँ। देखिए मैं अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना रहा हूँ और अपने प्रदेशवासियों की तरफ ओर से अरुण जी को श्रद्धांजलि दूंगा, क्योंकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे और इसलिए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करेंगे। व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ भारतीय राजनीति को भी एक अपूर्णीय क्षति हुआ और हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र का एक स्तंभ ढह गया। जिस तरह उन्होंने राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से की, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। एक विद्वान अधिवक्ता के साथ साथ एक प्रखर वक्ता भी थे। प्रकार से हमारे बीच से जाना पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और पार्टी के लिए तो है ही है। राजनीति में कुछ लोगों की एक अलग पहचान होती है और उन्होंने जो पहचान कमाई और उसमें विशेषता ये थी कि जितने भी पेचीदगियों वाले मसले होते थे, चाहे उसमें कानून की बात है, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज पर जो है वो फाइनेंस की बात है, टेक्निकल इश्यूज पर चाहे वो विदेश विभाग से संबंधित मसले हैं उनकी बात है, फॉरेन पॉलिसी की बात है, इन सारी चीज़ों पर उनकी एक दक्षता थी।